आजा आजा। हाय, वेलकम। कौन से फ्लोर पे रहते हो तुम? सारा बंगला हमारा ही है। ओह, तू बैठ, मैं अपने कुत्ते को डांस क्लास छोड़ के आती हूँ। इतना बड़ा घर है ये भूल भुलैया, खत्म ही नहीं हो रहा है। स्नेहा के बिहेवियर को देख के लगा नहीं था कभी ये इतनी अमीर है बड़ी। यहाँ तो 500 गज का प्लॉट भी कम से कम 7-8 करोड़ का होगा। ऊपर से इतना पैसा लगा कि क्या मस्त इंटीरियर वाला घर बना रखा है। फर्नीचर ही देख लो इतना प्रीमियम है। तो अगर मैं हिसाब लगाऊं तो कम से कम 15-20 करोड़ का घर होगा ये। यार लाइफ तो इसकी है, घर में प्राइवेट थिएटर के साथ जकूसी तक है। थोड़ा सा मूड खराब हो, डुबकी मारो, स्ट्रेस गायब। इस एयर प्यूरिफायर की कोई जरूरत है? इतनी तो ग्रीनरी कर रखी है, पेड़ पौधे लगा के हर जगह। मेरे घर वाले तो ताने मार मार के मेरा दम घोट देते हैं। ये तेरे दादाजी हैं? No, that's a painting. मेरे डैड ने ऑक्शन से खरीदी थी, सिर्फ 30 लाख की। 30 लाख? हाँ, सस्ती मिल गई। नाइस। वाह यार, क्या किचन है, एकदम लग्जरी। इनके सर्वेंट्स को कितना मजा आता होगा खाना बनाने में। और इनके खुद का खाना खाने वाली प्लेटें भी इतनी फैंसी हैं। मेरे घर पे तो एक डिनर सेट है, वो भी सिर्फ मेहमानों के आने पे निकलता है। इनके घर का तो हर कोना इतना एस्थेटिक है, जहाँ मर्जी फोटो ले लो बैकग्राउंड अच्छा ही आएगा। और एक मेरा घर है, नॉर्मल फोटो खींचने के लिए भी कोना ढूंढना पड़ता है। ये लो, जोमेटो का ऑर्डर भी आ गया। क्या मंगाया? अरे ओरी को ना चिकन पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही थी। कुत्ते को क्रेविंग? खा लो ओरी। नहीं खाना, पिज्जा है। ओहो, लगता है इसका पिज्जा खाने का मन नहीं है। इसके लिए मैं चिकन लॉलीपॉप ऑर्डर करती हूँ। ठाट तो इस कुत्ते की है, फिर भी नखरे दिखा रहे। भगवान ने गली का कुत्ता बनाया होता तो तरसता इन चीजों के लिए। ये कौन है? पता नहीं, दादाजी को सपनों में दिखती थी तो उन्होंने पेंटिंग बना दी। ये असली है? बताओ, बाहर जगह कम पड़ गई थी जो अंदर भी पौधे लगा दिए। इसे क्या ही करते रहते हैं, बड़े लोग बड़े शौक। चलो मैं अपनी बाकी की CID पे फोकस करती हूँ। यार घर में इतना बड़ा बार, पर से इतनी पुरानी पुरानी बॉटल्स रख रखी है। इनका सही है, घर पे टल्ली होके जकूजी में डुबकी मार के सो जाओ। ये सही है, इतने सारे दरवाजे और पर्दे हटाओ तो रोशनी हो जाती है। मेरे घर में तो इतनी लाइटें होने के बाद भी अंधों वाली फीलिंग आती है। घर में 4 लोग रहते हैं और 10 नौकर रख रखे हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है और कोई कुत्ते का ध्यान रख रहा है। तो किस्मत की बात, कहीं कुत्ता राजे की जिंदगी जी रहा है और कहीं इंसान कुत्ते की। यार मैं वॉशरूम के आती हूँ। इतना बड़ा वॉशरूम, मेरा तो कमरा भी इससे आधा होगा। और देखो तो हगने की जगह को भी ऐसे सजा रखा है जैसे यहाँ पे किसी ने सोना हो। यार मुझे इतना गरीब क्यों फील हो रहा है आज। मेरी ना थेरेपिस्ट आ गई है, तू बैठ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। थेरेपी? यार एक्चुअली मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन? और इसको सुनो, यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज।